हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड फॉर प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, तो अभी देखिए जो हमारा 12th का सिलेबस था उसमें स्टूडेंट्स हमने देखा हुआ है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन के लिए बहुत अलग अलग फॉर्मूलेस है। उसमें वेक्टर फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म था। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट हो सकता है या फिर दो पॉइंट हो सकता है या फिर तीन पॉइंट हो सकता है। उसके हमारे पास इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलेज थे। ठीक है, लेकिन अभी देखिए जो मेथड्स ये वीडियो में देखने जा रहे हैं वहाँ पर हमें सिर्फ तीन पॉइंट भी हो सकते हैं, दो पॉइंट भी हो सकता है या फिर एक पॉइंट भी हो सकता है, और हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विदाउट यूजिंग फार्मूला स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये टाइप के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन है, छोटा सा ट्रिक है, वो आपको याद रखना है। अगर वो आपको याद है तो इक्वेशन जो भी है आपका ये टाइप का, अगर क्वेश्चन है मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये एक पॉइंट हो सकता है या फिर दो पॉइंट हो सकता है या फिर तीन पॉइंट है। ठीक है, तो उसके आपको वो टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों ही वन पॉइंट पासिंग फ्रॉम, टू पॉइंट और पासिंग फ्रॉम थ्री पॉइंट, इस पर मैंने एग्जांपल आपको समझाया हुआ। पहले आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आपका स्पीड बाय डिफॉल्ट बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं इसके क्वेश्चन को समझूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना स्टूडेंट्स, सिर्फ आप एग्जाम्पल को देखिए, उसको फॉलो करिए, आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा एग्जाम्पल क्या है, इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन्स दिस एंड दिस एंड द पॉइंट दिस इज। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो प्लेन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रेडिशनल मेथड से करना होता तो स्टूडेंट्स आपको एक 5 to 6 मिनट्स का बहुत ही आराम से टाइम चला जाता था, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले इसमें इन्वॉल्व होते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब हम अपीयर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में से राइट ऑप्शन को पिक करना है। तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ ऑप्शन को, राइट ऑप्शन क्या है वो पिक करना है, तो वो ट्रिक हम सीखेंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो पॉइंट्स के हेल्प से, और ये जो चार ऑप्शन दिए उनके हेल्प से हम राइट आंसर पिक करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो अभी हमें क्या करना है, तो ये हमारे पास चार इक्वेशन हो सकते हैं, तो चारों में से कौन सा राइट इक्वेशन है वो हमें पिक करना है। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स 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 का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू, ये जेड का वैल्यू, हमें क्या करना है, ये सभी इक्वेशन में एक एक करके हम पुट करेंगे, और हमें जो आंसर सिंप्लीफाई करने पे मिलता होगा, मतलब इसमें हमने पुट किया और उसका आंसर हमें ज़ीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके सभी उसमें पिक चेक करेंगे और हमें उसका आंसर इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस या इज इक्वल टू दिस आना चाहिए। ठीक है, तो पहले इक्वेशन में हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक्स के पे 2 रखा तो ये 8 हो जाएगा, -3 रखा तो ये +21 हो जाएगा, और ये मैंने 4 रखा तो ये मेरा -20 और ये -9 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे और देखो स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, +21 और ये +9, +8 -9 इज इक्वल टू 0, मतलब हमें 0 आ रहा है, इज इक्वल टू आर एच एस है, मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आया जब हमने एक्स जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हमने पॉइंट्स हमने पुट किए इसमें। तो ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, मतलब ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले यूज़ किए हुए हमारा आंसर आ गया, सिर्फ आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जो भी है प्लस माइनस है वो आपको करना होगा। ठीक है, आप अभी ये जो पॉइंट्स आप तीनों में पुट तीनों ऑप्शन में पुट करके चेक करोगे, हमें वो जस्ट सिंप्लीफाई मतलब ये बोथ आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसने हमने इसमें हमने पुट किया एल एच एस में पुट किया एक्स वाई जेड के वैल्यू को, तो हमारा इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ठीक
ठीक है, तो ये हमारा ये जो इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दिख रहा है ये गिवन कंडीशन पे। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट दिया हुआ है एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हमें सेम क्वेश्चन को सेम मेथड को फॉलो करना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होगा, ये होगा ये होगा ये होगा या ये होगा, ये चारों में से राइट ऑप्शन हमें पिक करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें चेक करना है। कैसे चेक करना है, अभी दो पॉइंट है, आप किसी भी एक पॉइंट को लिख लीजिए, ले लीजिए, ज़रूरी नहीं किसको लेना है, आप किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हो। ठीक है, एक एक करके हम चारों ऑप्शन में चेक करते जाएंगे। ठीक है, वो आपको ऑप्शन में जब आप चेक करते हैं उसके लिए आपको स्पीड करना पड़ेगा। तो अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, छोटा सा प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेनी है, जितना आपका अच्छा स्पीड होगा और आपको उतना अच्छा आंसर जल्दी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लेते हैं, चारों ही ऑप्शन में पुट करके चेक करेंगे। जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये 6 + 10 प्लस ये एक्स, सॉरी ये एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं लेना है हमें, वाई क्या है 2, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा प्लस जेड 8 20 हो जाएगा प्लस 16, इसको हम तो ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू 0 तो नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। इसमें जब हम पुट करेंगे वाई हमारा देखिए क्या है 2 है, तो ये 4 हो जाएगा माइनस जेड क्या है हमारा 4 है, 4 × 20 ये पुट करेंगे और ये 15 है तो ये 19, ये तो ये भी हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें पुट करके देखते हैं, जब यहाँ पर पुट करेंगे ये वाई क्या है हमारा 2 है, 2 जा 4 हो जाएगा माइनस 5 4 20 हो जाएगा प्लस 16, तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैच करने वाला है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 16, तो ये कैंसिल होके इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा ये देखिए राइट ऑप्शन, ये जो इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होगा ये जब ये कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन था, टू पॉइंट दिए हुए थे और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिया था और हमें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं हुई, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट कोई भी आप एक कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसमें पुट करके चेक कर लीजिए, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वही हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो अभी इसके हेल्प से हमें इक्वेशन बनाना है। तो आप अगर ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्वियसली हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो हमने दो एग्जांपल देखे अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत ही कम टाइम में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे सर हमें पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें से 3 पॉइंट में से कौन से पॉइंट को पिक करिए, किसी भी पॉइंट को पिक करिए, ऐसे पॉइंट को पिक करिए जो बहुत ही कैलकुलेशन में इजी हो और आपको इजीली आंसर मिल सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चारों ही ऑप्शन में पिक करके चेक करना है कि हमारा राइट कौन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अभी जैसे देखिए ये ऑप्शन राइट बहुत ही सिंपल लग रहा है, 111 है, इसे कैलकुलेशन में भी थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए एक्स यहाँ पर हमें एक्स दिख रहा है और जेड दिख रहा है, यहाँ पर एक्स क्या है 1, जेड क्या है 1 है, तो अगर हम यहाँ पर हम पुट करेंगे 3 × 1 3 माइनस 4 × 1 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, हाँ ये देखिए 4 + 4 − 4 − 4 0 इज इक्वल टू 0, अरे ये तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, ये मतलब हमारा ऑप्शन राइट हो गया। अगर आपको दूसरे उसमें भी चेक करना है तब चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स देखिए 1 है तो ये 3 + 4 + 1 इज इक्वल टू ये 0 नहीं होगा, इसमें आप चेक करोगे 3 × 3 + 4 × 4 + 1 तो ये भी इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसमें भी आप चेक करो। देखिए स्टूडेंट्स हमने जब इसमें पुट किया तो ये हमारा क्या मिल गया 3 − 4 + 1, अरे ये भी हमारा 0 दे रहा है, 0 = 0 मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं, ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, तो ये हमारे पास दो राइट ऑप्शन हो गए स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, तो आपको स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे केस में हम दूसरा पॉइंट यूज़ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जब हम दूसरा पॉइंट यूज़ करेंगे तो उसे चेक करते हैं। देखिए अभी अगर मैंने ये दूसरा पॉइंट एक्स क्या है हमारा 1 है और जेड क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पर हम दोनों ही प्लस है तो हमें फिर से ये 3 − 4 + 1 इज इक्वल टू 0 ही आएगा, मतलब ये हमारा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम इस पर चेक करते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा वाई क्या है -3, तो जब आप यहाँ -1 पुट करोगे तो ये -3 हो जाएगा और जेड क्या है 1 है, 1 पुट करोगे तो ये -4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0, ये नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये देखिए स्टूडेंट ये हमारा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट दो एग्जांपल देखा उसमें कुछ अलग मतलब इजीली हमें आंसर मिल गया।
ठीक है। लेकिन अभी हमने थर्ड एग्जांपल देखा तो हमें उसमें इजीली आंसर मिला, एक पॉइंट से तो मिल गया लेकिन दो आंसर राइट मिले, ठीक है। तो उसके इसके लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट यूज़ किया और उसके हेल्प से हमें और एक ऑप्शन कम हो गया, ठीक है। तो राइट हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो ये इक्वेशन होगा वो हमारा प्लेन ऑफ इक्वेशन होगा 3 पॉइंट फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हमें फाइंड आउट करना है पासिंग थ्रू दी पॉइंट, एक ही पॉइंट दिया हुआ है और कंटेनिंग द एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए सेम हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का जो भी कोऑर्डिनेट्स है उसको पुट करना है, इसी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर वाई क्या है, 2 प्लस 4, ये नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें हम पुट करेंगे वाई क्या है हमारा 2 तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें पुट करेंगे वाई क्या हमारा 2 माइनस जेड क्या है 12, नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसमें हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वाई क्या हमारा 6 माइनस 4, ये नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो राइट हमारा ऑप्शन क्या है, बी, बी इज़ अ राइट आंसर, मतलब ये इक्वेशन हमारा प्ले इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होगा ये गिवन कंडीशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप और भी एग्जांपल्स को ट्राई करिए आपके टेक्स्ट बुक्स में से, एमसीक्यू के जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसमें से और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट आपको, सॉरी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है और गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, अगर पॉइंट्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में तो, ठीक है, भले वो पॉइंट एक पॉइंट हो या फिर दो पॉइंट हो या फिर 3 पॉइंट हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही स्पीड अच्छा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चंस पर बेस्ड है हमारे वीडियोस, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, बहुत ही हेल्पफुल है ये आपके लिए, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है प्लीज़ स्टूडेंट्स उनको भी ये वीडियो के लिंक ज़रूर शेयर करिए। और एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक या फिर ये वीडियो का लिंक शेयर करिए, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।